माता की। उन्होंने बदतमीजी की है, उन्होंने उनके मुंह में रजिस्टर फेंके हैं, रखे दिए हैं, थप्पड़ लगाने की कोशिश की है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में फतेहपुर में निकाली गई विशाल रैली, रैली के बहाने दिखाया शक्ति प्रदर्शन, विरोधियों को दिया संदेश। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष मदन राणा के नेतृत्व में फतेहपुर SDM विश्रुत भारती के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राणा ने बताया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ पूर्ण रूप से भेदभाव कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के एरियर की एक ही किस्त दी है। उन्होंने कहा कि बकाया राशि एक मुश्त दान की जाए। मदन राणा ने कहा कि इसके साथ साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, जल शक्ति विभाग के अधीन कार्यरत जल रक्षक के साथ साथ अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए तथा सबको सरकारी कर्मचारी भी घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी योग्यता के साथ पदोन्नति भी दी जाए। उन्होंने कहा कि 12 साल अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत के चौकीदारों को भी नियमित किया जाए। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष मदन राणा का फतेहपुर में ज्ञापन देने के साथ शक्ति प्रदर्शन करना भी मुख्य लक्ष्य रहा है। उन्होंने ज्ञापन में भारी भीड़ जुटाकर फतेहपुर में अपनी ताकत दिखाते हुए विरोधियों को भी यह संदेश दिया कि फतेहपुर में उनका अपना एक अलग जनाधार है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा धीमान, जिला महासचिव शशि बाला, आंगनबाड़ी ब्लॉक प्रधान इंदु बाला, सिलाई कटाई प्रधान रीना देवी, आशा वर्कर प्रधान किरण बाला, मिड डे मील प्रधान सुरेंद्र कौर और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वर्करों को कुछ अपने हमारी बहने CHO उन्होंने बदतमीजी की है, उन्होंने उनके मुँह में रजिस्टर फेंके हैं, उनको धक्के दिए हैं, थप्पड़ लगाने की कोशिश की है। मेरे पास शिकायत आई थी, मैंने BMO को बोल दिया था। मैं आज भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, इन लोगों के साथ जो अन्याय करेगा भारतीय मजदूर संघ उनके साथ सख्ती के साथ पेश आएगा।